All of you? Yeah. Guys, if I'll come to France. Tell us when you come to France. Okay, when I'll come to France, you all gonna host me, okay? Central London, jo hai, wo zone 1 mein thoda sa expensive hai. अच्छा तो मैं उसी जगह पे आ गया हूँ, ग्रीन पार्क का जो मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ से आगे जाना है, एक स्टॉप लेना है पिकेडली सर्कस, वहाँ चलते हैं। अभी यहाँ से ये कह रहा है कि ग्रीन पार्क से हमने लेनी है पिकेडली लाइन, और एक स्टॉप के बाद हमने उतर जाना है प्लेटफॉर्म नंबर टू। यहाँ से हमने ग्रीन पार्क स्टेशन है ये, यहाँ से हमने पिकेडली लाइन लेनी है और उसका नंबर 2 प्लेटफॉर्म पे उधर जाना है। ठीक है, आ जाओ। अब ट्यूब्स और अंडरग्राउंड की मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि एक दफ़ा मैं बना चुका हूँ और इसके साथ हमारी बैटरी भी ख़त्म हो रही है, मेमोरी भी ख़त्म हो रही है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आ जाए। ये पिकेडली लाइन है, ये विक्टोरिया लाइन है, ये जुबली लाइन है। यहाँ से आप अपने टिकट वगैरह कर सकते हैं और साइन फॉलो करते जाएं कि आपने जाना है पिकेडली की तरफ। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि साइन फॉलो करके हमने कैसे जाना है। ये वो वाली साइड है, ये जाने वाली साइड है। ये किया हमने खोला, ये हम पीठ से गुजरे। ये विक्टोरिया लाइन राइट साइड, जुबली लाइन राइट साइड, पिकेडली लाइन लेफ्ट साइड। आ जाए, ये हमने जाना है पिकेडली लाइन की तरफ। ठीक है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम बैठेंगे। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ग्रीन पार्क और किंगडम पैलेस। अब चलते हैं पिकेडली से, और यार ट्यूब्स का बहुत मज़ा है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट टिकट ही नहीं लेता, सिर्फ एक अपना कार्ड स्वाइप करता जाता हूँ हर जगह पे। उसके बाद रात को 12 बजे के बाद वो लोग काउंट करते हैं कि जी आपका, आप कौन कौन से जोन में गए हो, जोन 1, जोन 2, जोन 3। सेंट्रल लंदन जो है वो जोन 1 में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन एवरेज मैंने देखी है कि आपके जो 8 पाउंड मैक्सिमम करते हैं, 8 से 9 पाउंड, या कभी 7 पाउंड कट जाते हैं, कभी आप जोन 2 में 3 में चले जाएँ। तो इतना महंगा नहीं है, वो भी सारे दिन के लिए। टिकट शिकट मैं तो नहीं लेता, अगर आपके पास आपका बैंक कार्ड है तो आप उसी को स्वैप करते जाएं। अब पाकिस्तानी कार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का जो लोकल बंदा होगा उसके पास लोकल यहाँ का बैंक कार्ड है तो वो आपस स्वैप करते जाए। ठीक है, अब यहाँ से हमें कौन सा लेना है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 लेना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 लेके हमने यहाँ पर पहुँच जाना है पिकेडली सर्कस। ठीक है, आ जाए। ये उसके बाद ये लिस्टर स्क्वायर भी बहुत अच्छी जगह है, कोविड गार्डन भी बहुत अच्छी जगह है, और रसल स्क्वायर भी बहुत अच्छी जगह है। आज ट्रेन आ गई, ईजी है, मेरा ख्याल है बहुत ईजी है। यहाँ पे ट्यूब में सफ़र करना बहुत आसान है और मज़े का भी है। आप डेस्टिनेशन अपनी पे पहुँचे, वहाँ जाके तो आपने जो एंजॉय करना ही करना है, लेकिन आप इसमें सफ़र करके भी बड़ा एंजॉय करते हैं कि यार आप एक अच्छी फर्स्ट क्लास जो है वो मेट्रो ट्यूब में आप घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एग्जिट लेना है। ये हम पिकेडली पे निकल आए हैं बाहर, और ये
एक बहुत लंदन का जो आप कह लेना कि फेमस तरीन प्लेस है, जहाँ पे लोग आके वीडियोस बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और यहाँ पे लोग रात को डांस भी करते हैं, पार्टियाँ शार्टियाँ भी होती हैं, पार्टियों का पता नहीं, बरल बहुत प्यारी जगह है ये है जी। पिकडली करके यहाँ एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत फेमस प्लेस है लंदन में, यहाँ बहुत दुनिया आती है, फोटोग्राफी करती है, स्पेशली स्क्रीन की वजह से मशहूर है। जैसे टाइम स्क्वायर है, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के बोर्ड होते हैं जहाँ पे वीडियोस चलती हैं, लोग फोटोग्राफी करते हैं। ये यहाँ की बहुत फेमस प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, और देखें यहाँ पर गाना वाना होता है, म्यूज़िक होता है, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत प्यारी है, यहाँ लोग रात को आते हैं ज़्यादातर, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए अगर आपने आना तो दिन को आएँ, और वो भी पता नहीं होता किस टाइम बारिश हो जाए, किस टाइम कुछ भी हो सकता है। ये है जी जगह, मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ। ये लंदन की वो जगह है जहाँ पे हर वक्त रश रहता है, हर वक्त बिजी रहती है, हर वक्त लंदन एवरीबॉडी डोंट वेस्ट एनीथिंग। अच्छा, तो ये पिकेडली सर्कस से अब ट्रफॉल्गर स्क्वायर और हाइड पार्क की तरफ मैं चलता हूँ, यहाँ से हम वॉक करके चलते हैं। अब एक स्टॉप है, अगर मेट्रो लेंगे तो आप ये मिस कर देंगे स्ट्रीट व्यू, और आप इस तरह मेरा ख़्याल है कि वॉक करके जाना चाहिए और ज़रा आप इंजॉय करते हुए जाएंगे। ये है साइन बोर्ड, इसको फॉलो करें, और यहाँ से हम जा सकते हैं। ये बता रहा है कि यहाँ से आप राइट हो जाएंगे। पूरे यूरोप से दुनिया आई हुई है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी सब छुट्टियाँ हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा आई हुई है अभी इस वक्त, इसीलिए इतना रश है। लेकिन इतने बिजी रश में आपको एंजॉय करना चाहिए।
द बेस्ट वे इज़ टू वॉक, अगर आप एक स्टॉप रहता है, लेकिन ये मैं अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं ट्यूब से जाता, लेकिन ये बहुत करीब है इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ा वॉक करके चलते हैं। ट्राफालगर स्क्वायर जो है उसकी एक हिस्ट्री है, एक कुछ जंग हुई थी ऐसे स्पेस पे, एक ट्राफालगर कोई एक जंग हुई थी इनकी और इनकी नेवी की, और ये जीत गए थे आई थिंक जर्मनी और फ्रांस के साथ था, और इसलिए उसका नाम इन्होंने रखा। ये बड़ी फेमस प्लेस है यूके में, अगर कोई भी आता है सबसे ज़्यादा पहले पिकेडली सर्कस हो गया, ट्राफालगर स्क्वायर हो गया, कोविड गार्डन हो गया, उस गार्डन में भी बहुत लोग जाते हैं, और उसके अलावा हैरट जाते हैं बहुत लोग। हाँ हैरट से मुझे याद आया कि वहाँ भी चलेंगे, वहाँ दुनिया शॉपिंग बहुत करती है, जो स्पेशली पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, जो महंगे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वेस्ट करने के लिए, वो वहीं पर ही आते हैं और सारा पैसा वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ उजाड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनकी अपनी कमाई है, मेहनत की चले करें जो भी वाट एवर। सो कहाँ थे हम जा रहे हैं ट्राफालगर स्क्वायर, लोकेशन मैंने लगा ली है और कह रहा है कि 0.2 माइल, ये तो वॉक करते हुए हो जाएगा, और स्ट्रीट व्यू मैं आपको चलते चलते थोड़ा सा दिखाता जाता हूँ। ठीक है, आप लोग इन्जॉय करें, देखें, फिर ना कहना है बूटा गाड़ा करता। ये कोई थिएटर है मेरा ख्याल, लेकिन हम जा नहीं रहे। अगर आप लोगों का कभी मूड हो कि आपने थिएटर में जाना है, कोई मूवी शूवी लगी है या कुछ है, तो आप लोग अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और जा सकते हैं। एक इस साइड पे भी है थिएटर, और ये थोड़ा सा देख लें व्यू।
इसी लोकेशन से मैं खड़ा होके एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को एट अ टाइम कितनी चीज़ें नज़र आएंगी। आ जाते हैं। अभी यहाँ पे इस वक्त ट्रैफालगर स्क्वायर पे मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वो मोनूमेंट जिस जगह पे बहुत सारे लोग आते हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं पूरे यूरोप से। एक्चुअली समर वोकेशन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के सारे लौड़े लपाड़े और सारी आवाम यहाँ पहुँची हुई है। लंदन इस वक्त पैर रखने को जगह नहीं है और आवाम ही आवाम है। और काफ़ी आज एक्चुअली वेदर बहुत अच्छा है। मेरी आज आप लोग कह सकते हैं कि लक अच्छी है कि वेदर की वजह से आज मेरी वीडियो बन गई, वरना शायद आज भी रह जाती। यहाँ पे रात को कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है रात को, यहाँ की जो रात है ना, नाइट आउट क्लास है। यहाँ पे आवाम बहुत इंजॉय करती है रात को। ये वो जगह है, यहाँ से आप यहाँ इधर का नज़ारा ले सकते हैं। ये इसके सामने नेशनल गैलरी है और इस साइड पे एक मोनूमेंट है और यहाँ से इसकी बिल्कुल आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप वेस्टमिंस्टर पहुँच जाएंगे। ये है ट्रैफालगर स्क्वायर और मेरे पीछे नेशनल गैलरी है। अच्छा, नेशनल गैलरी जो है इसमें जाना फ्री है, कोई टिकट नहीं है अभी, लेकिन आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। मैं नहीं चाहता कि टाइम ज़ाया हो और अगर आप लोग अंदर जाना चाहें तो टिकट फ्री है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। मैंने तो यहाँ फ़ोटो शोटो बनानी थी, अच्छी सी तस्वीरें बना ली हैं, फ़ोटो बना ली हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना ली हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया है, टूटा फूटा सा जैसे बनाता हूँ मैं। बाकी अभी सोच रहा हूँ मैं नेशनल गैलरी के अंदर जाया जाए या ना जाया जाए। उससे पहले मुझे भूख लगी है लेकिन मैकडोनल्ड 1.9 माइल बता रहा है, क्या किया जाए, पहले कुछ खाया पिया जाए या अंदर जाया जाए नेशनल गैलरी में। चलो पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
मैं ट्रफलगर स्क्वायर से आ गया हूँ उसी जगह ही मार्केट की वो जो स्ट्रीट है मेन उसी के आ गया हूँ। बड़ा बहुत खूबसूरत इलाका ये वाला। अभी यहाँ से लिस्टर स्क्वायर चलते हैं, वहाँ एक तो वो बड़ी प्यारी जगह है, दूसरा मुझे भूख लग रही है, वहाँ से खाते हैं मैकडॉनल्ड। सो आ जाए फिर लिस्टर स्क्वायर चलते हैं इस गली से होते हुए। मैप चल रहा है मेरा, ये वही स्ट्रीट है जहाँ से हम पहले गुजरे थे। बड़ी प्यारी स्ट्रीट है, दोनों साइडों पे थिएटर्स बने हुए हैं। अच्छा ये कहाँ से कह रहा है गूगल मैप, चलो इसको फॉलो करते हैं और लिस्टर स्क्वायर चलते हैं। ठीक है आ जाए। अगर आप लोगों को सर्च करना हो तो कौन सी जगह है, ये वो जगह है। ठीक है, और इसके सामने एम्पायर सिनेमा है। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रीट है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से भी दुनिया आती है यहाँ पे, और ये सबसे फेमस प्लेस है, सबसे महंगा इलाका है, और सबसे यहाँ पे महंगे होटल हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमाज और शॉपिंग मॉल, सबसे महंगा इलाका है यहाँ ये मार्केट। याद रखिएगा जब भी लंदन आए आप लोग, और ये मार्केट ज़रूर आएगा, ये मेन जो स्ट्रीट है। ठीक है, और बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। पहले मैंने सोचा था यहाँ से एक साइकिल ले लूँ, लेकिन मैं थक गया हूँ, एक भाड़े की साइकिल लेने का मूड था, लेकिन नहीं ले रहा मैं। ये जापानी सेंटर से थोड़ा सा आगे है ना, आएंगे ना जापान फूड वाले से थोड़ा आगे आएंगे तो ये वाली जो स्ट्रीट है ये बहुत फेमस स्ट्रीट है। इसका नाम है वाइट कॉम स्ट्रीट। ये बहुत फेमस है, इधर बहुत दुनिया आती है, ये वाली जो जगह है ये स्ट्रीट बड़ी फेमस है। वाइट कॉम स्ट्रीट, इस जगह को मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये जगह जो है ना, इसके सामने चाइना टाउन है और बैक साइड पे वो गैलरी है। यहाँ से हम लिस्टर स्क्वायर से कुछ खा पी के फिर हम चाइना टाउन आते हैं। ये चाइना टाउन भी बिल्कुल सामने है मेरे, ये यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं ना, आप लोग देख सकते हैं वो एंड पे, ये चाइना टाउन है। ठीक है, सो ये रहा मैकडोनल्ड। ठीक, मैकडोनल्ड भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैकडोनल्ड हलाल होते हैं, कुछ नहीं हलाल होते, इसलिए आपको पता करना पड़ता है। सो मैं तो ज़्यादातर फ़िश बर्गर ही खाता हूँ, ये है मैकडोनल्ड, लेकिन इसकी इंट्रेंस जो है वो आई थिंक दूसरी साइड से है। ये लंदन का जो मेन टूरिस्ट प्लेस है ना, ये वो जगह है, यहाँ पे आपको सारी हर जगह टूरिस्ट ही नज़र आएंगे। इस जगह मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन पिछली दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे बारिश शुरू हो गई, और इतनी बारिश हुई कि जितनी होती है। ये है वो स्क्वायर जहाँ हमने आना था, ये लिस्टर स्क्वायर है और ये चाइना टाउन है, और ये बहुत फेमस स्ट्रीट है। यहाँ पे बड़ी चहलकदमी होती है, दुनिया ही दुनिया है। कैसा फिर, मैं जैसा आप लोगों को बता रहा था कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ यहाँ बारिश शुरू हो जाती, तो वही कांड हुआ है, तो वही हुआ है, बारिश हो रही है, मैकडोनल्ड में घुसते हैं सारे लोग, उठ के अंदर भाग गए, नसो पजो बारिश हो गई है।
अभी हो गई है बारिश 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 बारिश, ये देखो बारिश बारिश हो गई। हमारे साथ हमेशा यही हुआ है, बारिश हो गई, वही हुआ ना जो मैंने कहा था, बारिश हो गई। रश चेक करें, मैकडॉनल्ड का रश चेक करें, कितनी दिनों ऑर्डर भी करना है। सो ऑर्डर इस तरह करता होता हूँ मैं, ये मशीनों से तो नहीं करता, मैं अपनी ऐप से करता हूँ। रश देखें, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकडॉनल्ड में बहुत ज़्यादा रश है, और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि किसका ऑर्डर किसको मिल रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ ही कुछ लोग बैठे हुए टूरिस्ट आए फ्रांस से आए हैं, इनसे क्योंकि ये लोग भी पता नहीं किसका मील ले चुके हैं, और मैंने भी एक फ़िश ऑर्डर की थी और इसका मुझे पता नहीं है ये किसका ऑर्डर है, तो मैकडॉनल्ड का ये हाल हो चुका है। सो व्हाट्स योर नेम? लिसी। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर ऑर्डर। वेल, दे सेंट अस ट्वाइस द सेम ऑर्डर, सो ओके। सो व्हेन यू डिडंट एक्सेप्ट देम, दे सेंट इट टू मी। या सो वी आर गोना कीप देम। वी गोना कीप देम, ओके। सो लेट्स शेयर, टेक दिस वन। आई हैव दिस वन, ऑल थैंक यू। यस, बिकॉज़ आई गॉट थ्री प्लेट्स। टेक मैकडॉनल्ड वालों ने याशी कर। सो से समथिंग इन फ्रेंच, इन फ्रेंच, नो से समथिंग अबाउट से सिटी थ्री बॉन्ड जा दो रे एंड यू C'était super. Franchement, le McDo est incroyable, sauf les serveurs. Ils sont tous nuls, ils ne savent pas gérer des commandes. N'allez pas là-bas, ils sont vraiment gaze. Franchement, tous sauf ici. Juste le McDo France, voilà. Mujhe samajh nahi aaya, lekin yehi ladki batayegi bas mujhe. Lucy. Lucy is from England. She lives here. You live here or you? No, I live in France. She lives in France, but her parents belongs to England. Yeah. So she will translate what this guy said and what the other said. They said that it was really nice, and then the last one said that you shouldn't come here because they got all the orders wrong. So you should go to McDonald's in France. It's much better. But it's better because you got extra. Yeah, I guess. But in France you will just get one. Yeah, in France it's much nicer. So go to France. Go to France. Okay, next time I will visit one. Okay. So who will host me? All of us. All of you? Yeah. Guys, if I'll come to France. Tell us when you come to France. Okay, when I'll come to France, you all gonna host me, okay? Okay. I work at McDonald's. So I don't work. Oh, you work in McDonald's? Yeah, I do. So you have to come to his McDonald's. Yeah. So we will come to your McDonald's, okay? Okay. So cheers. So, and then you guys will say keep watching. Keep watching. AD Traveler. AD Traveler. Yeah, AD Traveler. AD Traveler. Yeah, that's my YouTube channel. Okay. See you guys. Bye. So guys, मैकडॉनल्ड में बहुत ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा रश था, इतना रश था कि वहाँ कुछ फ्रांस से आए हुए कुछ दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त मतलब आपस में वो फ्रेंड थे मेरे नहीं। सो उन लोगों के साथ गपशप हुई। मैकडॉनल्ड में ये हो रहा है कि किसका ऑर्डर किसको मिल रहा है पता नहीं, गला मेरा बैठ गया, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ठंडी थी। अच्छा, अभी मैं इस वक्त लिस्टर स्क्वायर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत गहमी है क्योंकि यूरोप से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और जिसकी वजह से बहुत रश है।